चूंटणी મહાસંગ્રામ 2024 નું દિવસે ને દિવસે કાઉન્ટડાઉન તેજ થઈ રહ્યું છે ત્યારે વડાપ્રધાન મોદીએ મધ્યપ્રદેશથી ફરી એકવાર હુંકાર ભર્યો છે મોદીએ કહ્યું છે કે 24ની ચૂંટણીમાં એનડીએ 400 ને પાર જશે અને કોંગ્રેસના સુપડા થઈ જશે સાફ જ્યારે રાહુલ ગાંધી પણ પોતાની યાત્રાથી કરી રહ્યા છે પ્રહાર કેજરીવાલનો પણ અલગ જ દાવો છે આમ ફેબ્રુઆરીથી ઠંડીમાં ચૂંટણી गर्मी चूंटणी नो गरमावो बराबर जाम्यो छे। लोकसभा चूंटणी नो प्रचंड प्रचार मध्य प्रदेश में पीएम मोदी नी मोटी भविष्यवाणी रण माटे शुरू थई भीषण लड़ाई राहुल गांधी कर्यो मोटो प्रहार पंजाब दिल्ली जीतवानो केजरीवाल नो हुंकार लोकसभा चूंटणी ने लईने प्रचारनो धमधमाट शुरू थई गयो छे। वडाप्रधान मोदीए मध्यप्रदेशमां सभा गजवी कोंग्रेसने निशाने लीधी। वडाप्रधान मोदीए कह्युं के 2024ની ચૂંટણી બાદ કોંગ્રેસ ગાયબ થઈ જશે। મતદારો આ વખતે કોંગ્રેસને એવી સજા કરશે જે બાદ દેશમાં ક્યાંય પણ કોંગ્રેસ જોવા જ નહીં મળે। કોંગ્રેસ કે લોકલ નેતા ભી અપને આલા કમાન સે કહેને લગે હૈ कि हम मोदी के खिलाफ वोट मांगने जाएं तो किस मुंह से जाएं? उन बेचारों की मुसीबत तो है जो नेता अब पार्टी में थोड़े बहुत बचे हैं उनमें भी कोई अब जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता है। सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी बची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हसर होता है। पीएम मोदी ए कह्यु छे के हताशा में डूबेली कांग्रेस हवे साजिश रची रही छे, जो के हवे देश ना लोको कांग्रेस ने कोई पण चाल में फसाशे नहीं अने चूंटणी में कांग्रेस नो हिसाब करी नाखशे। कांग्रेस की साजिशों से भी आगाह करना, अपनी हार सामने देखकर कांग्रेस और उसके साथी अब अपने आखिरी दांव पेच इस्तेमाल करने में लग गए हैं। कांग्रेस और उसके दोस्तों की दो ही ताकत है, जब ये सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं, जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं। यानी लूट और फूट, यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। इनको बंद करते ही कांग्रेस पार्टी का सियासी दम टूटने लग जाता है। ज्यादातर राज्यों में सरकार से बेदखल करके जनता जनार्दन ने इनकी लूट के रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ये वापस कुर्सी पाने के लिए जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, इलाके के नाम पर टूट करवाने में, फूट करवाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में हुंकार भरता वडाप्रधान मोदी कहे के 2024 में एनडीए 400 ने पार जशे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है।
मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। एमपी ने यह भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार। एक तरफ सभाओं वडाप्रधान मोदी देश में भाजप तरफी माहौल बनावाने कोशिश करी रहा छे, तो बीजी तरफ पोतानी यात्रा थी राहुल गांधी पण सतत वडाप्रधान मोदी अने मोदी सरकार ने नीतियों सामे सवाल उभा करी रहा छे। ये मोबाइल फोन कहां बनाया? नहीं, ये भारत में नहीं बनाया, ये चाइना में बनाया। इस मोबाइल फोन को कौन सा अरबपति बेचता है? इसको 2-3 बड़े अरबपति बेचते हैं। इस मोबाइल फोन से चाइना के युवाओं को फायदा होता है और हिंदुस्तान के अरबपति को फायदा होता है। हिंदुस्तान के युवा को इस सेलफोन की फैक्ट्री में काम मिलने का मौका नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की एक बैठक माटे एकलाज चूंटणी लड़शे। માનવામાં આવી રહ્યું છે કે કોંગ્રેસ સાથે તેઓ દિલ્હીમાં પણ કોઈ ગઠબંધન નહીં કરે, ત્યારે પંજાબમાં સભાને ગજવતા કેજરીવાલે કહ્યું કે 2024ની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટી કમાલ કરશે। તેજી સે આમ આદમી પાર્ટી બઢી હૈ, 10 સાલ બને હુએ, 10 સાલ છોટી સી પાર્ટી, 10 સાલ કા બચ્ચા હૈ આમ આદમી પાર્ટી, 10 સાલ કા છોટા સા બચ્ચા હૈ। इस छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी पार्टी की नाक में दम कर रखा है, उनको सोने नहीं देते, नींद नहीं आती, रात को भूत की तरह आते हैं हम लोग उनके सपने में। एक छोटी सी पार्टी 10 साल के अंदर 2 राज्यों में सरकार बन गई, पंजाब के अंदर दिल्ली में सरकार बन गई, गुजरात में गोवा में हमारे एमएलए बन गए, जहां चुनाव लड़ते हैं वहीं हमारे खूब सारे वोट आते हैं। आज बीजेपी को डर है अगर ये ऐसे ही बढ़ते गए तो एक दिन केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। हमारी एक ही ताकत है, हमारी ईमानदारी, हमारी एक ही ताकत है, हमारी साफ नीयत, हमारी एक ही ताकत है। हम जनता के काम करते हैं, हम स्कूल बनाते हैं, हम अस्पताल बनाते हैं, हम बिजली ठीक करते हैं, हम सड़कें बनाते हैं, हम आपके लिए तीर्थ यात्रा कराते हैं आपको। बीजेपी ये काम नहीं कर सकती। बीजेपी को कितने साल हो गए सरकारें चलाते चलाते, 30 साल से गुजरात में सरकार चल रही है, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, एक स्कूल ठीक नहीं किया इन्होंने, एक बिजली ठीक नहीं की इन्होंने, कुछ नहीं किया। ચૂંટણી પ્રચારના ધમધમાટ વચ્ચે હવે ખેડૂતો પોતાની માંગ પૂરી કરાવવા માટે સરકાર સામે આરપારની લડાઈના મોડમાં છે। સંયુક્ત કિસાન મોરચા અને કિસાન મજદૂર મોરચા સહિત 26 ખેડૂત સંગઠનોએ 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ દિલ્હી કૂચ કરવાના એલાન બાદ હવે 16 ફેબ્રુઆરીએ ભારત બંધનું એલાન કર્યું છે।